उत्तर प्रदेश ही नहीं पड़ोसी प्रदेश बिहार को भी अपनी सावधान यात्रा से सावधान करने का काम इन दिनों ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं आज गाजीपुर के औड़िहार में अपने एक पुराने परिचित के यहाँ मिलने के लिए अचानक से पहुंचे ओम प्रकाश राजभर से जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने मीडिया के सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। इन दिनों अनिल राजभर के द्वारा ओम प्रकाश राजभर पर लगातार तंज कसा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मीडिया के लिए मनोरंजन के साधन है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बेचारे को जितना ज्ञान है उतना ही बोलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी और नीतीश कुमार पर नफरत फैलाने की भी आरोप लगाया। आए थे दौरे पर, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मीडिया के मनोरंजन का साधन हो रहे हैं। देखिए लोडर, अब जितना बेचारे का ज्ञान है उतना ही बोलेगा। लोडर मालिक नहीं हो सकता, लोडर और मालिक में बहुत अंतर है ना। अभी उसी के घर के सामने 10,000 लोग जुटे थे। जो लोग जुटे थे, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिएगा, जो लोग जुटे थे वो मनोरंजन का साधन है कि वो अपने हक के लिए तैयार है। जो सदन में जब ओम प्रकाश राजभर उनके हक के लिए लड़ता है, चाहे वो छात्रवृत्ति के सवाल पे बोले, चाहे सामाजिक न्याय समिति के सवाल पे बोले, चाहे आरक्षण के सवाल पे बोले, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पे बोलता है, चाहे किसी मुद्दे पे बोलता हूं, तब तो जबान बंद हो जाती है, बाहर आके खूब बोलते हैं। राजभर जी, अब जबकि बिहार में एनडीए से गठबंधन टूट चुका है, विपक्ष नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहा है और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बगल से जो फूलपुर पड़ता है वहां से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव है, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा भाजपा को? देखिए, कोई असर किसी के ऊपर नहीं है। जो अपना जहां जाके चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने लड़ाने से देश में समाजवादी पार्टी ने इतना नफरत पैदा कर दिया है, नाराजगी तो बात समझ में आती है कि मनाया जा सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नफरत पैदा कर दिया है। बिहार में मैं होके आ रहा हूं, अभी दो दिन पहले बिहार था। बिहार में नीतीश जी ने नफरत वहां पैदा कर दिया है, इस नाते भाग के तो यहीं आ रहे हैं फूलपुर।